लोडिंग ही लोडिंग है इस गाड़ी के अंदर, काफी बढ़िया मशीन है। तो ये बता रहे हैं कि ये जो स्पॉइलर है ये ऊपर हो जाता है, जैसे अब देख लीजिए आप ये कुछ ये ऐसे। वाओ, मतलब चोरों के लिए भी ऐसा है कि जैसे ये हैंडल है, अब ये हैंडल तो हाथ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको, बट ये कैसे इसको यू कैन पुल, इसको तोड़ भी सकते हैं जी। इसलिए तो छेनी तोड़ी लगेगी, लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा। मतलब ये स्पेशल वेलार है, जो नॉर्मल वेलार आप लोग देखते हैं मार्केट में जो सीकेडी होती है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि मतलब ईवी आ रही है तो उसमें पावर की कमी होगी, बट आई वाज रॉन्ग। लोडिंग के वाइज कोई कमी नहीं गाड़ी के अंदर। ये 2020 वाली शेप में चेंज हो रखी है। हाँ जी, बम्पर, बोनट, लाइट, ग्रिल, एवरीथिंग हैज चेंज। यू कांट इमेजिन कि मतलब बीएचपी वगैरह स्पोर्ट कार, यार ये बहुत स्पोर्ट कार लाइन ये ना टच करती है। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है माई कंट्री मार्ट के एक ब्रांड न्यू वीडियो में। आज हम आपको लेके आ चुके हैं ऑटो बेस्ट इम्पीरियो के रजौरी गार्डन वाले न्यू शोरूम पे, और आइए ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इनके कलेक्शन में आज क्या क्या गाड़ियां हैं आप सबके लिए। तो आइए चलते हैं ऊपर और देखते हैं आज इनके कलेक्शन की बेस्ट गाड़ियां। आज हम देखेंगे ऑटो बेस्ट इम्पीरियो 2.0 का कलेक्शन, जो कि इनके कलेक्शन में काफ़ी सारी गाड़ियाँ होती हैं। तो देखते हैं कलेक्शन। हाय राकेश, कैसे हो? बढ़िया, ठीक ठाक हो? जी भैया। आज हमारे व्यूअर्स को हम लोग 2.0 का जो अपडेटेड कलेक्शन है वो दिखाने के लिए आए हैं। अक्सर हमने मिनी कूपर बहुत बार आपको दिखाई है यहीं पे खड़ी हुई, तो आज कुछ डिफरेंट मिनी कूपर है यहाँ पे हमारे पास। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं राकेश भाई इस गाड़ी की डिटेल्स। ये है 2018 की मैन्युफैक्चरिंग है, 19 की रजिस्टर्ड गाड़ी है, सिर्फ 21,000 किलोमीटर चली हुई है। अच्छा, ये ओरिजिनल कलर है ना? जी भैया। मतलब ये कोई रैप तो नहीं है? मेनली अगर मिनी की बात करूँ एज एन कपल कार ही बोल सकते हैं, ये प्रॉपर फोर सीटर तो नहीं होती। शादी में गिफ्ट हो जाए, शादी में गिफ्ट आप ये कर सकते हो, आप, आपकी वाइफ और आपके दो बच्चे। तो ये बहुत अच्छी बात करी अक्सर लोग। वैसे मैंने कई बार वैसे ऑटो वेस्ट इंपीरियो पे जब नारायणा में हम लोग शूट करा करते थे, एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मिनी कूपर ही गिफ्ट करी थी जी, क्योंकि बहुत बढ़िया है। मतलब ये तो ऐसा नहीं कि बॉयज नहीं चला सकते, लेकिन ठीक है। मतलब सेम मतलब बीएमडब्ल्यू वाला इंजन होता है, पावर वगैरह आपको बीएमडब्ल्यू की तरह ही मिलता है, ऑसम पावर मिलती है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा मिलता है, और छोटी होने के साथ कोई भी ड्राइव कर सकते, कहीं भी पार्क हो सकती है। डील क्या दे रहे हैं इस कार की हम आस्किंग कर रहे हैं? 36,75,000 की। नेगोशिएबल, राइट? नेगोशिएबल जी। चलिए अब बात करते हैं उस गाड़ी की जिसको इंट्रोडक्शन की भी जरूरत नहीं है। ये है लैम्बोर्गिनी उरुस, इसकी डिटेल राकेश भाई आपको बता देंगे। जो हमारी गाड़ी है ये है 2020 की मैन्युफैक्चरिंग है, 21 की रजिस्टर्ड है, 16,000-17,000 चली हुई है। हाँ जी। जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर हैं, वो इस गाड़ी के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। ओवर द कॉल उन्हें हम इस गाड़ी के प्रॉपर स्पेसिफिकेशन शेयर कर देंगे, साथ ही इस गाड़ी का प्राइस और नेगोशिएशन वगैरह सारा स्कोप भी हम शेयर कर देंगे। वैसे अगर आप चाहेंगे तो ऑटो बेस्ट इम्पीरियो की वेबसाइट पर जाएंगे तो आपको वैसे इसका प्राइस पता लग जाएगा, बिल्कुल पता वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन होती है। लोडिंग ही लोडिंग है इस गाड़ी के अंदर, काफी बढ़िया मशीन है, यहाँ पे बहुत सारी आपको वैरायटी मिल जाती है। फ्रंट दोनों सीटों में मसाजिंग, सॉफ्ट क्लोज़र, मतलब एवरीथिंग। अगर लोडिंग तो बहुत, सॉरी मैंने की ली थी आपके लिए, जस्ट लाइक इटालियन सूट्स, इटालियन बीस्ट। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस न्यू मशीन, एक बार इसकी भी की लेते हैं। ये बीएमडब्ल्यू की एक बार की, ये कौन सी वाली राकेश भाई बताइए हमारे व्यूअर्स को? ये हमारी है बीएमडब्ल्यू की 630i एम स्पोर्ट। वाह जी वाह, क्या लग रही है। ये 2 लीटर गाड़ी होती है। अच्छा, और जी 6 सीरीज में भी 2 लीटर इंजन? जी भैया। अच्छा जी, 630i पेट्रोल 2 लीटर, और वो भी एम स्पोर्ट। बीएमडब्ल्यू मेनली जाए तो मतलब इसमें एम स्पोर्ट वेरिएंट ही अब आ रहे हैं। 9,000 किलोमीटर चली हुई है, 2021 मॉडल है। इसमें आपको फ्रेमलेस डोर्स मिल जाएंगे, पैनोरामिक रूफ मिल जाएगी, पीछे की सीटें भी रिक्लाइनिंग होगी, पीछे रियर इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिल जाएगी, एमए लाइटिंग मिल जाती है। अब जैसे ई क्लास में कंफर्टेबल थोड़ा ज्यादा मिलता है, बीएमडब्ल्यू में ड्राइविंग मिलती है, और क्योंकि इनके पास स्पेस थोड़ा कम होता था बाकी गाड़ी में 5 सीसी एन वगैरह में, तो इसमें इन्होंने 6 सीरीज जीटी निकाली ताकि काफी अच्छा बूट स्पेस मिले। बूट स्पेस तो काफी अच्छा है इसके अंदर, मतलब स्पेयर व्हील भी है जी, और स्टिल काफी अच्छा दिख रहा है। गाड़ी के पीछे से टेल लाइट आप देखना चाहोगे तो ये भी देख सकते हो। दिस इज 630i पेट्रोल एम स्पोर्ट। इसमें ये स्पॉइलर भी ऊपर आ जाता है, मतलब जस्ट एज एन खुल जाता है, ये जस्ट एज एन स्पोर्टी लुक के लिए मैं खोल के दिखाता हूँ एक बार प्लीज खोल। तो ये बता रहे हैं कि ये जो स्पॉइलर है ये ऊपर हो जाता है। वैसे तो हमने कई स्पॉइलर देखे जो एक स्पीड के बाद अपने आप ही ऊपर हो जाते हैं, जैसे अब देख लीजिए आप ये कुछ ये ऐसे। वाह, लग रहा है आपकी फेवरेट गाड़ी है।
नहीं इस महीने कम से 4-5 भेज दिए हैं, तो मतलब फेवरेट तो म्यूचुअल। हाँ तो क्या क्या बेनिफिट है इस गाड़ी को लेने के? मतलब इस गाड़ी में जो मेन अट्रैक्शन है, क्योंकि बहुत लोगों ने खुद ड्राइव भी करनी होती है, मतलब तो अगर 520 का मेरा मन है फॉर एग्जांपल, मैं इस पे स्विच क्यों करूं? मतलब अगर देखिए 520 अगर आपको लेनी है, आई विल सी यू टू बाय द 520, बट 520, 530 या 530D, अदरवाइज अगर आप अपने पेरेंट्स को देना चाहते हैं तो मतलब ऑब्वियसली बात है ये दे विल नॉट ड्राइव करेंगे, बहुत कम करेंगे। तो पीछे इसमें बैठने का स्पेस थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा, कम्फर्ट थोड़ा ज्यादा मिल जाएगा। अच्छा। और अट्रैक्शन है, जैसे फ्रेमलेस डोर्स हो गए, मतलब यंग डायनेमिक कार भी है। तो अब इसकी बेस्ट डील बता दो कि क्या बेस्ट डील होगी, मतलब सब कुछ फीचर समझ लिए, अब बेस्ट डील क्या होगी इसकी? जो हम इस गाड़ी की एस्किंग कर रहे हैं वो कर रहे हैं 72,75,000 की, ठीक है। एज द नेम जीटी, जीटी फॉर द ग्रैंड टूरिज्म। ग्रैंड टूरिज्म का मतलब ये होगा कि जैसे आप पीछे बैठते भी हो, ड्राइव भी करते हो, स्पेस थोड़ा बढ़ जाता है, स्पेस इसमें ये बढ़ जाए और ये शेप हो जाती है, और ये लॉन्ग ड्राइविंग पर्पस के लिए ही है। स्पेस आपको बेटर मिल जाता है, फीचर ज्यादा मिल जाते हैं, फिर ये थोड़ा सा स्पोर्टी लुक के लिए ये स्पॉइलर दे देते हैं, और फ्रेमलेस डोर्स भी इसकी एक अट्रैक्शन है इस गाड़ी की। पीछे ई क्लास की तरह ही इसमें बैक रिक्लाइनिंग वगैरह भी है, रियर इंफोटेनमेंट भी है। अगर आप 50% ड्राइव करते हो, 50% बैठने का मन है, तो मतलब दिस इज आल्सो वेरी गुड ऑप्शन। अब ये ऑप्शन देखो आप, ये आपकी फेवरेट कार है, ये तो अपना ड्रीम है भाई। रेंज रोवर की इवोक जब भी आती है, मुझे तो वैसे ही बड़ी खुशी होती है इस गाड़ी को देख के। अनलॉक करता हूं, राकेश भाई आप इधर आ जाइए ताकि हमारे व्यूअर्स को पूरा ओवरव्यू मिले इस गाड़ी का। तो ये देख लो जी, ये लाइट देखना, DRL, ओए होए होए होए, जबरदस्त। क्या डिटेल है रेंज रोवर की? ये 2020 मॉडल है, 23,000 चली हुई है, सिलिकॉन सिल्वर कलर है। ओके। और SC एयरडायनेमिक टॉप मॉडल है गाड़ी। गाड़ी की कंडीशन आप इंटीरियर एक्सटीरियर प्रॉपर देख सकते हैं। जो मुझे मेन अट्रैक्शन लगता है वो इसके डोर से ये लगता है कि मतलब डोर हैंडल अंदर चले जाते हैं। एक बार इंटीरियर चेक करिए दोस्तों आप। तो इसकी क्या डील है हमारे पास इस टाइम? इस गाड़ी के मास्किंग कर रहे हैं 60,75,000 की, मतलब 60,75,000 रुपए में जी। रेंज रोवर इवोक, रेंज रोवर इवोक जो नई गाड़ी समवेयर अराउंड 85 के आसपास की है। ये देखो इसमें ये चीज दिखा रहे थे हम, ये देखो ये हैंडल्स देख रहे हो बाहर है। अब ये लॉक करूंगा, खतरनाक, मतलब बहुत शानदार। ये जब पहली बार गाड़ी आई थी तो मुझे लगा था कि ये गाड़ी अगर किसी ने कहीं पे चोरी हो रही हो तो वो ये मतलब ये चोर तो ये हो जाएगी, इसके दरवाजे हैं कि नहीं है, हैंडल का है वो मतलब बिल्कुल ठीक बात है। एक मेन अट्रैक्शन इसका मतलब यही लगा था, मतलब चोरों के लिए भी ऐसा है कि जैसे ये हैंडल है, अब ये हैंडल तो हाथ में आ जाएगा, ठीक है, तो इसको बट ये कैसे इसको यू कैन पुल, इसको तोड़ भी सकते हैं हम जी। इसके लिए तो छेनियां थोड़ी लगेगी, लग रहा है ऐसे करना पड़ेगा, क्योंकि कैसे करोगे? एग्जैक्टली कैसे करोगे, हाथ में आता नहीं है। एग्जैक्टली, लेकिन जब तक आपके पास की नहीं होगी गाड़ी अनलॉक नहीं होगी। अब इसका अगर आपको बिग ब्रदर मैं दिखाऊं तो सामने ही है वेलार, रेंज रोवर वेलार। और ये वेलार में भी नॉर्मल वेलार नहीं है भैया, ये है CB यूनिट, कम्प्लीटली बिल्डअप यूनिट, यानी इम्पोर्टेड है और डीजल में है। डीजल में है, 17 की मैन्युफैक्चरिंग है, 19 की रजिस्टर है। हाँ। क्योंकि गाड़ी पहले बाहर बनी थी, उसके बाद इंडिया में आई, फिर उसके बाद इसको दिखा के लोग ना बुकिंग चालू करते हैं जितने भी CB यूनिट है, क्योंकि इसमें जो लोडिंग होती है अकॉर्डिंग टू द इंडिया नहीं होती, बाहर के अकॉर्डिंग ही होती है इसमें। जैसे आप, मैंने खुद किसी और वेलार में डुअल टोन इंटीरियर नहीं देखा, फ्रंट दोनों सीटों में मसाजिंग नहीं देखा, ठीक है। जो इसमें मेरिडियन भी है, मेरिडियन भी सिग्नेचर का एडिशन है, नॉर्मल मेरिडियन नहीं, मतलब नॉर्मल मेरिडियन ऑडियो नहीं है, इसमें सिग्नेचर वेरिएंट है इस गाड़ी का। कंडीशन वगैरह तो बहुत बढ़िया है, मतलब ये स्पेशल वेलार है, जो नॉर्मल वेलार आप लोग देखते हैं मार्केट में जो CKD होती है उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। अब लेट्स सी कि कितने प्राइस में आ जाएगी, क्योंकि 1 CR तो आज के टाइम पे वेलार हो ही गई है। जस्ट डन 30,000 किलोमीटर, 17 मैन्युफैक्चरिंग, 19 रजिस्टर, वी आर आस्किंग 72,75,000 फॉर द दिस कार, ठीक है। अब EV खरीदनी है किसी को, इलेक्ट्रिक कार, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है। राकेश भाई कुछ बताएंगे कि भाई पेट्रोल डीजल तो बहुत बेची, बहुत कस्टमर को रिव्यू भी दिया, बहुत कस्टमर को बताया, व्हाई वी शुड बाय दिस कार, एक ही क्वेश्चन है। जस्ट फॉर द इको फ्रेंडली, ठीक है, इफ यू लव योर नेचर मोस्टली दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू, ठीक है। आप पेट्रोल डीजल हो, मतलब पॉल्यूशन तो देखिए हर चीज, तो गवर्नमेंट कहती है इसी का ही है फ्यूचर इसका है। 1 चार्ज पे भी 370 के आसपास आराम से चल जाती है, एक फुल चार्ज पे 370 किलोमीटर के आसपास आराम से ये चलेगी। लोडिंग की कोई कमी नहीं है, फर्स्ट आई वाज थिंकिंग कि मतलब EV आ रही है तो उसके अंदर पावर की कमी होगी, बट आई वाज रॉन्ग। इस गाड़ी में पावर एज यू पुश द एक्सीलरेटर, मतलब ऑसम पावर है, अच्छा पिकअप, और लोडिंग वगैरह सब कुछ, पैनोरामिक रूफ हो गई, मतलब एक एक फीचर जैसे डिस्टर्बोमीटर हो गया, पैनोरामिक रूफ हो गई, एम्बिएंट लाइटिंग होगी, मतलब सारी लोडिंग के वाइज कोई कमी नहीं इस गाड़ी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट वगैरह सब कुछ। ये गाड़ी 2021 मॉडल है, 23,000 चली हुई है। इस कार की हमारी आस्किंग है 79,75,000 की।
ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे एक गाड़ी की तरफ जो कि है BMW की रेड कलर की रेड ब्यूटी X4 20D M Sport Coupe। ये गाड़ी 2020 मॉडल है, 22,000 चली हुई है। इस गाड़ी की हमारी आस्किंग है 59,75,000। अगर किसी को कूपे शेप पसंद है, राइट नाउ हमारे पास 4-5 कूपे शेप है, 3 X4 है, एक GLC 300D है कूप में, 2 AMG भी है हमारे पास। ठीक है, तो आप GLC की AMG ऑप्शन काफी अच्छे मिल जाएंगे। अब ये देखते हैं, ये मुझे काफी अच्छी लग रही थी सेडान गाड़ी। ये 7 सीरीज है, 2017 मॉडल, बट वी हैव कन्वर्टेड दिस कार इनटू द न्यू शेप। ओके, ये 2020 वाली शेप में चेंज हो रखी है। हाँ जी, बम्पर, बोनट, लाइट, ग्रिल, एवरीथिंग हैज चेंज। आप समझो कि बस इसके चारों दरवाजे बस वो वाले हैं, बाकी पूरी गाड़ी कन्वर्टेड हो रखी है फ्रंट से बैक तक। क्या डील? इस गाड़ी की हमारी आस्किंग है 58,75,000 की। अब देख लेते हैं ये जो हमारे पास है यहाँ पे, ये हमारी नॉर्मल GLC है, GLC 220D फॉर्मेटिक। ये गाड़ी 2020 की मैन्युफैक्चरिंग है, 21 के रजिस्टर है, 22,000 चली हुई है सिर्फ। इस गाड़ी की हमारी आस्किंग है 59,75,000 की। ठीक है, अब चलते हैं इसके साथ में ही। X1 में कितनी वैरायटी है हमारे पास? X1 में हमारे पास अभी के टाइम में दो गाड़ियां हैं, पिछले महीने 7-8 थी। हाँ, वही तो तभी तो पूछा मैंने जी। अभी हमारे पास दो है, एक ये है, एक और व्हाइट कलर में भी है हमारे पास, एक ये ब्लैक कलर में है। ये 2020 मॉडल है, सिर्फ 17,000 चली हुई है, ये पेट्रोल वेरियंट है। इस गाड़ी की हमारी आस्किंग है 38,75,000 की। और जो दूसरी X1 है हमारे पास भाई, दूसरी X1 की भी सेम आस्किंग है। दूसरी X1 व्हाइट कलर में है, जस्ट डन ओनली 4,000 किलोमीटर। तो वो डीजल है? वो भी पेट्रोल है। अच्छा, वो भी पेट्रोल है, वो 4,000 चली हुई है, और ये 17,000 चली हुई है। उसका प्राइस? उसकी भी आस्किंग सेम है ऑलमोस्ट 38,75,000। लोग ये नहीं कहेंगे कि इतने वो भी कम चली है, उसका भी सेम, इसका भी सेम, तो ऐसा क्यों? क्या रीजन हो सकता है? सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फर्क है। अच्छा, अब जैसे टैक्स का होता है ना, अब जैसे हर स्टेट में ना टैक्स ना अलग अलग है। अब दिल्ली जैसे शहर में, बेंगलोर में, इन सब में थोड़ा टैक्स का है, कहीं पे थोड़ा टैक्स थोड़ा ज्यादा है, कहीं पे थोड़ा टैक्स। मतलब हमारा भी फर्ज बनता है कि मतलब हम अपने कस्टमर को ऐसा नहीं कि मतलब हर चीज एक ही रेट पे दे। ऑब्वियसली बात है, जो चीज हमें सस्ती मिलती है ऑब्वियसली बात है उसको हम सस्ती में देंगे ही देंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया आपने इस बात को। अब अगेन GT हमारे पास 3-4 है अभी। ये वाली हमारी डीजल वेरिएंट है, ये भी 2021 मॉडल ही है, बट ये लग्जरी लाइन है। मेरे ख्याल से ये भी 38,000 के आसपास चली हुई है। वो वाली हमारी M Sport वेरिएंट थी, 9,000 किलोमीटर चली हुई, और ये हमारी 2021 मॉडल है, 38,000 चली हुई। इसकी हमारी आस्किंग है 69,75,000 की। ठीक है, अब आप इधर आ जाइए। अब हमारे व्यूवर्स को थोड़ी वहाँ पे जगह की कमी है, तो यहीं से हमारे व्यूवर्स देखेंगे और हम आपको डिटेल बताएंगे। ये खड़ी हुई है जी रेंज रोवर, एक बहुत ही बढ़िया कलर में, जिसे हम कहते हैं ब्लैक माफिया। ये है असली रेंज रोवर, असली वोग है के? जी, रेंज रोवर वोग। क्या डील है? ये गाड़ी 2019 मॉडल है, 42,000 चली हुई है, और ये SC लॉन्ग व्हील बेस है। इसकी हमारी आस्किंग है 1,99,75,000। ठीक है, अब इसके साथ में ही हमारे पास GLE है, मुआवे सिल्वर कलर में, 2021 मॉडल है। ये गाड़ी चली हुई है 29,000, लेटेस्ट शेप है अभी, और इसकी हमारी आस्किंग है 84,75,000 की। इसके साथ में ही हमारी इस गाड़ी की AMG कूपे वर्जन है। ये 2 लीटर गाड़ी होती है और ये अपनी 3 लीटर कार होती है। यू कांट इमेजिन कि मतलब BHP वगैरह स्पोर्ट कार, यार ये बहुत स्पोर्ट कार लाइन ये ना टच करती है। जिसको शौक है ना गाड़ी खरीदने का, जिसको मतलब पता है 53 AMG क्या होती है, व्हेन यू स्टार्ट द कार, गाड़ी को स्टार्ट कर देंगे फिर स्टार्ट एक बार करते हैं। एक बार आप की लेके आइए, एक ही रख दीजिए आपको। मतलब ये मैं बता रहा हूँ, मतलब मैंने जब फर्स्ट टाइम इस गाड़ी को स्टार्ट किया था ना, मतलब आई वाज वेरी इंप्रेस्ड और शॉक किया कि ये क्या है भाई। अब राकेश भाई स्टार्ट करेंगे, हम जरा पीछे से इसका। अब ये नॉर्मल की से भी थोड़ी सी अलग होती है, ब्लैक होती है, ब्लैक और AMG प्रिंटेड भी होता है इसमें। ठीक है जी, AMG है। अब देखना इसकी पावर, देखना इसमें एग्जॉस्ट नोट देख रहे हो, ये 1, 2, 3, 4। ये गाड़ी टोटली डिफर होती है, जैसे CB यूनिट वाली गाड़ियों में अपने को डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, सेम अपने AMG भी मिलता है। ब्रांड न्यू है तो एक बार खोलना इसको। इसमें अपने को डुअल टोन इंटीरियर मिलता है, आप देखिए आधे में ये ग्रे कलर है, आधे में फिर अपने पास ब्लैक कलर है, फिर साथ में इसमें स्वेड लैडर भी है जिसे हम अल्कंटारा बोलते हैं, और ये AMG स्टीयरिंग है। नॉर्मल GLE में आप जो स्टैंडर्ड ऑडियो होता है वो होता है, इसमें अपने को बर्मस्टर मिल जाएगा और साथ में वेंटिलेटेड सीट भी है भाई जी। स्टैगर्ड व्हील्स है इसके अंदर, पीछे का व्हील मतलब 305 नहीं है, 315 है। जरा आवाज सुनना आप, ठीक है, इन 3, 2, 1। वाह वाह राकेश जी वाह, क्या आवाज है, क्या आवाज है। इसे अभी तो आपने नॉर्मल मोड पर रखा है ना, ये अब इसे स्पोर्ट मोड रखे। अब देखो आप एक बार देखो चेंज कैसे होती है, देखो आवाज सुनना, तो राकेश भाई थोड़ा पास जाना उसके। अब ये है नॉर्मल, तो ये कोल्ड स्टार्ट हुई है नॉर्मल। अब ये देखो आप, ये स्पोर्ट्स पे हुई है, अब देना स्पोर्ट्स प्लस पे आवाज, देखो ये देखो, अब देखो अब आप
ये तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो गाड़ी अभी ना मतलब आइडल खड़ी हुई है, तो इतनी मतलब ज्यादा वो नहीं करेगी, लेकिन शेप भी मतलब कूप में जो इन्होंने शेप निकाली है बहुत औसम है। जैसे नई गाड़ी 2 करोड़ के आसपास की है। अरे बाप रे बाप, 2 करोड़ की है गाड़ी तो भाई अब हमारे पास तो नहीं है 2 करोड़। सीधी बात, लोन वोन है ना यहाँ पे भैया? लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है पैन इंडिया, डिलीवरी पैन इंडिया, आरसी ट्रांसफर भी हम पैन इंडिया लेवल पे हम करवा देंगे। और किसी को अपने स्टेट का नंबर लगवाना है, अगर कोई कस्टमर इस गाड़ी का या किसी गाड़ी का भी उसको अदर स्टेट का नंबर समझ नहीं आता, हमसे आगे डील ले ले, हम उसको उस स्टेट की एनओसी दे देंगे। ठीक है, इसकी डील, इस गाड़ी की हम आस्किंग कर रहे हैं 1,49,75,000। सही है, तो 50 लाख कम हो गए, 50 लाख रुपए कम हो गए। और AMG भैया मतलब AMG नॉट अ रेगुलर कार, ये आप जाओगे मतलब नहीं मिलेगी, इसके लिए पहले आप जाओगे बल लगाना पड़ता है शोरूम में, डेमलर को जाएगी पेमेंट, डेमलर वहां से गाड़ी बना के भेजेगी, और फिर उसके बाद कम से कम आपको 5-7 महीने तो बाद ही आपको ये डिलीवरी मिलेगी। आपकी कस्टमाइजेशन होती है ना, AMG कोई रोज रोज तो खरीदता नहीं है, AMG के कस्टमर ही अलग होते हैं ये, और AMG पे डिस्काउंट भी नहीं मिलता, और रेगुलर कार तो होती भी नहीं है, ये तो लोडिंग वाली है, जितना लोड कराते जाओगे उतनी ऊपर जाएगी। अब आते हैं प्रैक्टिकल गाड़ियों पे, वो तो होगी परफॉर्मेंस कार, अब आगे प्रैक्टिकल कार, मर्सिडीज E-क्लास, मर्सिडीज की E-क्लास एक्सक्लूसिव वेरिएंट है ये। हाँ जी, 2019 मॉडल है, 45,000 किलोमीटर चली हुई है। इस गाड़ी की जो हमारी आस्किंग है वो है समवेयर अराउंड 52,75,000 की। ठीक है, और BM में हमारे पास इसको हम कंपैरिजन करेंगे GT से, 6 सीरीज की GT। अब जैसे BMW के पास ना मतलब जब ये नई वाली E-क्लास आई लॉन्ग व्हील बेस वाली, उस समय इनके पास ना 5 सीरीज थी, पहले इनके पास 3 सीरीज GT थी, तो उन्होंने 3 सीरीज को डिसकंटिन्यू कर दिया, फिर उन्होंने लॉन्ग व्हील्स में ये वाली गाड़ी, दोनों की सेम ही है लंबाई, ऑलमोस्ट सेम है। अब जैसे पीछे आपको इसमें रिक्लाइनिंग मिल जाता है, सेम इसमें भी रिक्लाइनिंग मिल जाता है, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरामिक सनरूफ सब कुछ, बट एज एन स्पोर्टी लुक के लिए इसमें स्पॉइलर और थोड़ी सी शेप थोड़ी सी डिफर हो जाती है। अब एक और BMW देखते हैं, आ जाओ, ये हमारे पास एक BMW जी, ये है BMW की 2 सीरीज, है ये जो लेटेस्ट सीरीज है जी, इसके बाद ग्रैंड कूप है, मार्क में अपनी ए क्लास लिमोजिन एंट्री लेवल कार है। हाँ जी, ये भी BMW की एंट्री लेवल कार है, जैसे SUV टाइप में तो X1 होगी। क्या ये प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू है अभी BMW में? करंट आ रहा है, आ रहा है, सेम शेप आ रही है। हाँ। और ये गाड़ी है 2021 मॉडल है, 12-13 हजार किलोमीटर चली हुई है, और इस कार के हम मांग रहे हैं 40,75,000। 2 सीरीज है जो BMW का सेडान का एंट्री लेवल, तो ये अगर हम 40,75,000 कह रहे हैं तो ये कितने की नहीं आती होगी? अब नई समवेयर 54,55,000 के आसपास की। अच्छा, और अगर ना यकीन आए तो इनके पड़ोस में BMW का शोरूम भी है, आप वहां जाके इंक्वायरी भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। इनका पूरा स्टॉक कहां पे मिलेगा एक बार आप बताइए? कोई भी व्यूवर्स या कोई भी यूजर हमसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो वो हमें कॉल कर सकते हैं 8885-8886 पे, या तो वो हमें गूगल पे जाके हमारी वेबसाइट सर्च कर सकते हैं, या तो फिर हमें इंस्टाग्राम कहीं पे भी मतलब सारे सोशल मीडिया पे हम ये अवेलेबल है, किसी भी सोशल मीडिया पे वो हमें सर्च कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट दी हुई है www.autobest.co.in, जिसपे आप इनका लाइव स्टॉक देखते हैं, कम से कम 50 से 60 गाड़ियां लाइव रोजाना चल रही होती हैं, समटाइम्स 80-90 कार्स तक का भी स्टॉक हिट करते हैं, जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन इन डेप्थ मिल जाती है विद फोटोग्राफ डिटेल, वारंटी, इंश्योरेंस, एवरीथिंग। स्क्रीन पे नंबर चल रहा है 8885-8886, आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ किसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, और विजिट कर सकते हैं 7 डेज ऑटो बेस्ट इम्पीरियो के 2 शोरूम है रजौरी गार्डन में, दैट इज C4 D4। दोनों शोरूम में प्रॉपर आपको स्टॉक मिलेगा, वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, यहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं, आप किसी में आ सकते हैं, हर जगह पे आपके असिस्टेंट के लिए सेल्समैन है, हर बंदा आपके लिए यहाँ पे बैठा हुआ है एंड वेटिंग फॉर यू।